हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र के पर्व की शुरुआत विधानसभा चुनावों की तारीख के साथ तय हो गई है। वहीं चुनावी मैदान में जीत की बाजी और पक्ष विपक्ष में सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की जीत का दमखम अब देखने को मिलने वाला है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी अलका लांबा ने शनिवार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की पालना पूरी निष्ठा से करने की बात कही। साथ ही अलका लांबा ने कहा कि हिमाचल देश में कांग्रेस पार्टी चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने के लिए पूरी तरह सबल। आज की प्रेस वार्ता का मकसद है, जैसा हम सब जानते हैं, हिमाचल के अंदर लोकतंत्र का पर्व की शुरुआत चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ हो गई है। हिमाचल की तमाम जनता को लोकतंत्र के इस पर्व पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव आयोग द्वारा घोषित की गई तारीखों का स्वागत करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव आयोग को भरोसा दिला रही है कि कांग्रेस आदर्श आचार चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह से हर नियम कानून का पालन करेगी, पूरा सहयोग रहेगा। उसके साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो सत्ताधारी बीजेपी केंद्र में है, वो अभी भी बीच चुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सकती है। ये हमारी एक चिंता है, क्योंकि चुनावों में हमने देखा है, बीच चुनाव में केंद्र सरकार सरकारी संस्थाओं का, खासतौर से सीबीआई, ईडी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जो एक निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए उसके बीच में आड़े आती है। तो चुनाव आयोग से उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से ये चुनाव निष्पक्षता से होगा। कांग्रेस की जहां तक बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, खासतौर से बूथ में बैठना का कार्यकर्ता हमारा पूरी तरह की तारीखों का इंतजार था, वो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। आज दिल्ली के अंदर उम्मीदवारों की जो लेकर चर्चा है, उसकी ये अंतिम मीटिंग है। जल्द ही आप लोगों के बीच में 68 के 68 उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी हम लोग कर सकते हैं और करेंगे जल्द से जल्द। जनता को शुभकामनाएं देने के साथ साथ हिमाचल की जनता से हम अपील भी करते हैं, ये चुनाव महंगाई पर वार होगा, आपका एक एक वोट बेरोजगारी पर वार होगा। अगर आपको भाजपा के चुंगल से हिमाचल को छुड़वाना है, हिमाचल को बेरोजगारी महंगाई के चुंगल से छुड़ाना है, कुशासन से छुड़ाना है, तो ये आपके पास एक स्वर्णिम मौका है और हम अपील कर रहे हैं आपका एक वोट आपके साथ साथ हिमाचल का भविष्य तय करने जा रहा है। 12 नवंबर को 68 की 68 सीटों पर एक ही चरण में वोट होगा, रिजल्ट 8 दिसंबर को। लग रहा था कि जब 8 दिसंबर को रिजल्ट घोषणा की बात आती है, 25 दिन का बीच में लगभग जो है वो समय रखा गया है कि वोट होने के बाद 25 दिन बाद गिनती होगी। लगा शायद गुजरात की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन देखने आया कि चुनाव आयोग ने पिछली बार तो 5 राज्यों के एक साथ चुनावों की घोषणा की और इस बार सब उम्मीद लगा रहे थे कि हिमाचल के साथ साथ गुजरात के लोगों को भी तारीखों का बेसब्री से इंतजार था, इसके साथ उनकी भी तारीखों की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हम भी इस चीज को लेकर थोड़ा सा हैरान जरूर है कि जब 12 नवंबर को वोट हो रहा है तो गिनती अगले 2-3 दिनों में, जैसी हमेशा नियम राय प्रक्रिया होती है, उसे रोकने का कारण समझ नहीं आया कि अगर गुजरात की तारीखों की घोषणा नहीं हुई तो फिर इतना लंबा समय गिनती के लिए क्यों लगाया गया। हिमाचल के अंदर तो इन चुनावों की तारीख के साथ जयराम ठाकुर सरकार की सरकारी खजाने की लूट पर अंकुश लगा है चुनावों की घोषणा के साथ, लेकिन गुजरात में डबल इंजन की सरकार, सरकारी खजाने की लूट
प्रचार प्रसार अभी लगता है कुछ दिन और जारी रहेगा, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि यहां पर जब चुनावों की तारीख की घोषणा हो रही थी, जयराम ठाकुर जी अपनी हार को सामने देखकर पूरी तरह से बौखलाकर अंतिम चरण में भी, अंतिम घंटों में भी कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर किसी तरह भी ऐसे फैसले कर रहे थे कि वो अपनी हार को रोक पाए, जो अब असंभव दिखती है। मैं आगे आपके सवाल लूंगी और एक और मुद्दा है, उसके बाद मैं हमारे आदरणीय सीनियर नेता धनीराम शाहजी जी से निवेदन करूंगी, वो भी आपसे बात करेंगे। आज देश के गृह मंत्री चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद सिरमौर जिले आ रहे हैं। सिरमौर जिले में हाटी समुदाय के साथ हम मानते हैं, जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा था नोटबंदी के बाद सरकार बनने के बाद काला धन आएगा, 15-15 लाख आएगा, जब पूछा तो बताया होता है कि जुमले होते हैं। तो आज हाटी समुदाय के बीच में वो सिरमौर जिले जा रहे हैं, चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद जा रहे हैं, और वो भी पक्की बात है, एक जुमले से अधिक कुछ नहीं है। हमने मांग की थी, अगर आपकी नियत थी तो 5 साल डबल इंजन की सरकार में रहते हुए आपने इंतजार क्यों किया हाथी समुदाय के लोगों को उनका हक अधिकार सम्मान देने। लेकिन आपने जब कैबिनेट में इस फैसले को लाकर वाहवाही लूटी, तब भी हमने आपका कहा कि हमारी लोकसभा सांसद यहां से मंडी से और विधायक हमारी अध्यक्ष भी हैं, वो साथ देंगे अगर आप पार्लियामेंट में इस कानून को लाकर, कैबिनेट के फैसले को लाकर कानून में बदलेंगे। हमारे राजीव शुक्ला जी राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे सांसद साथ देंगे, लेकिन आप विशेष सत्र पार्लियामेंट में तुरंत बुलाइए। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं प्रदेश घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद अपने घोषणा पत्र को जारी करेगी। विशेष आपके बीच आया हूं, धन्यवाद करने उन सभी पदाधिकारियों का, उन सभी विधायकों का, उन सब सहयोगियों का, हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं का, सभी बहनों का, महिला शक्ति का, युवाओं का और सभी ऑर्गेनाइजेशन का, आपके चौथे जो हमारा आधार है लोकतंत्र का मीडिया का, जिन्होंने सबने मिलकर कल की जो ऐतिहासिक हमारी परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली सोलन प्रोग्राम हुई, उसके धन्यवाद देने विशेष कर आया हूं।